जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है जर्सी ऑफिशियल ट्रेलर। तो दोस्तों इस वीडियो को आप हमारे साथ आपके तक जरूर देखें क्योंकि इसमें शाहिद कपूर साहब है और वो क्या कर रहे हैं इस ट्रेलर पे, तो दोस्तों ये देखना जरूरी है। तो दोस्तों आगे देखने से पहले आप चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको बेहतरीन वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं, रिएक्शन और रिव्यू देते हैं, सो लेट्स वॉच इट। किट्टू के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है। दीदी के पास करंट बिल के 100 रुपीज रखे, आज भी पे नहीं किया ना तो कट कर देंगे। किट्टू ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे। मुझे 500 रुपए चाहिए विद्या। 500 रुपए उतनी कमाई है, मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में पता है। ठीक है नहीं देना मुझे। अच्छा ये क्या हो गया, तुम भी नहीं देंगी। क्या हो गया, शाहिद कपूर साहब के पास पैसे नहीं है। किसी का बर्थडे गिफ्ट भी तो लेना है। जर्सी के लिए चाहिए इनको 500 रुपए। थप्पड़ पड़ गया इनको। एक बढ़िया क्रिकेट प्लेयर और अब एक लूजर। एक असिस्टेंट कोच की जगह खाली है क्लब में। वो ग्राउंड छोड़ गया सर। छोड़ा नहीं, भागा था तू वहाँ से। आखिरी बार खुश तभी देखा था मैंने तुझे। नूर न रुख पे साबी न मुख पे। वाह क्या छक्का मारा, देखा जबरदस्त, काश तोड़ दिया मार के छक्का। वाह जी मैं यूं ही रह गया ना तो वो भी मुझे वैसे ही देखेगा जैसे बाकी सब देखते हैं। उसकी नजरों में से कतरा भी कम मैं होने नहीं दूंगा विद्या। तो मतलब वापस ज्वाइन होते हैं ये फील्ड में, वापस उतरते हैं। जबरदस्त मूवी होगी जी, क्या बोल। ओ भाई साहब एग्रीमेंट, for you to decide tumko life mein kya chahiye and if you choose cricket hum tumhare saath nahi rahenge. Ja kyun December 31। वाह दोस्तों वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं शाहिद कपूर साहब की हालत बहुत खस्ता दिखाई दे रही है, वो बहुत गरीब है। तो दोस्तों वीडियो के शुरुआत में हमें ऐसा लगा कि भाई इतने गरीबी किस बात की है, 500 भी नहीं है, 500 भी नहीं है और मैम से ये 500 रुपए मांग रहे हैं। लेकिन क्यों मांग रहे हैं, अपने बच्चे के लिए मांग रहे हैं, जर्सी दिलाने के लिए। उसने क्योंकि जर्सी की डिमांड कर दी कि अपने बाप से कि भैया मुझे आप जर्सी दिलाइए, तो वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उनके पास 500 रुपए भी जेब में नहीं है। और जब ऐसा वक्त इंसान की जिंदगी में आता है कि जब कोई अपना उससे कुछ मांगता है और उसके पास में पैसा नहीं होता है तो उसका दिल बहुत दुखता है। तो दोस्तों इसमें कुछ टू चीज़ें मुझे इसमें देखने को मिली हैं। इसमें एक साइड ये भी दिखाया गया कि ये क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर थे और इंडियन टीम में इनकी जगह होनी थी लेकिन नहीं हो पाई कुछ वजह से, जब पिक्चर आएगी तब खुल के पता चलेगा। लेकिन ये फिर से डिसाइड करते हैं कि मैं फिर से इस फील्ड में उतरूँ और इनको कोच बनने का एक मौका मिलता है। जिंदगी के इस जंग में ये एकदम हारने लगते हैं लेकिन सोचते हैं कि अब उठना पड़ेगा और खुद से जो इंसान उठता है और अपने हुनर को पहचानता है वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों चैनल पे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखें।